हेलो गाइस, दिस इज नट बेस्ट एंड आज का वीडियो जो है वो भी हिंदी में ही होने वाला है। तो मैंने देखा लास्ट वीडियो जो था उसमें जब मैंने हिंदी में बात करना शुरू किया तो बहुत लोगों को काफी कंफर्टेबल फील हुआ और वो बहुत कनेक्ट हो पा रहे थे। तो मैंने सोचा कि मैं जो नेक्स्ट वीडियो है जिसमें मुझे बेब्लेड के बारे में बात करना है, जैसे आपने टाइटल देख लिया होगा कि बेब्लेड क्यों खेलना है, मतलब क्या कारण है, क्योंकि इंडिया में हम ज्यादातर अगर देखेंगे तो पब्लिक जो है हमेशा कोई भी चीज का कारण ढूंढती है और ये ज्यादा हद तक सही भी है कि हम ये क्यों करें। बेसिकली अगर हम आप देखा जाएगा तो क्रिकेट हम बोलते हैं किसी को खेलने को तो क्यों, क्योंकि उसका स्कोप है। अगर आपका बेटा जाके इंडियन टीम में खेलता है या ऐसे कुछ होता है तो उसका अच्छा खासा स्कोप है, लाइफ बन जाएगी, बट वहां तक पहुंचने के लिए जो स्ट्रगल है वो भी बहुत है। मतलब ऐसे नहीं है कि कल उठ के चला गया और इंडियन टीम में भर्ती हो गया। तो एक बात है, वैसे आज का वीडियो कम्प्लीटली अनस्क्रिप्टेड है, वैसे भी कोई भी वीडियोस मेरे स्क्रिप्टेड रहते नहीं है, बट स्टिल एक बताने की बात होती है कि वीडियो अनस्क्रिप्टेड है। तो मैं आज कुछ ऐसे पॉइंट्स बताना चाहूंगा जिससे बेब्लेड ये क्यों खेलना है वो ज्यादातर लोगों को समझ आएगा और एक आइडिया आ जाएगी बेसिकली कि वो गेम जो है या ये स्पोर्ट जो है, मतलब जापान में एक्चुअली इसे एक स्पोर्ट कंसिडर किया जाता है, वो उसे ये दर्जा क्यों दिया जाता है। तो सबसे पहला पॉइंट ये है कि एक मिथ हम बोलते हैं उसके बारे में बात करना चाहूंगा। मैंने काफी पेरेंट्स से ये सुनी है बात कि बेब्लेड में हम जब खेलते हैं तो जो बंदा सबसे ज्यादा जोर से लॉन्च करेगा वो बेब्लेड, मतलब जो बंदा सबसे ज्यादा जोर से वो स्ट्रिंग या जो रिपकॉर्ड है वो खींचेगा उसका बेब्लेड जीत जाएगा। बट कैसे है ना कि ये बात काफी हद तक गलत है, वो बहुत कम चीजों में सीमित और सही है, बट वो काफी हद तक बात बहुत गलत है। क्योंकि क्या होता है, बेब्लेड का जो बेसिक मैकेनिज्म है, अभी का जो है बेब्लेड बर्स्ट का जो मैकेनिज्म है, उसमें क्या है कि अगर स्पिन का जो वेरिएशन है, मतलब अगर एक बेब्लेड स्लो स्पिनिंग है और एक दूसरा बेब्लेड फास्ट स्पिनिंग है, तो वो उनके कोलिजन पे उनके टीथ जो रहते हैं जिसपे वो बेब्लेड लॉक होता है उस पर काफी दबाव गिरता है और वो रिकॉइल से टूट सकता है, एज इन बर्स्ट हो सकता है, तो वो एक लॉस माना जाता है एक्चुअली। तो ये सब चीजें हमें बहुत ध्यान में रखनी पड़ती है जब हम कोई बेब्लेड को लॉन्च करें, ताकि हम कौन से स्पीड में उसे लॉन्च कर रहे हैं अपने अपोनेंट को समझ के। दूसरी बात इसमें यह है कि अगर आप कोई ऐसे बेब्लेड को फेस कर रहे हैं जो लेफ्ट में घूम रहा है और आप राइट में हो, और वो बेब्लेड जो बंदा लेफ्ट में घुमा रहा है वो अगर स्लो लॉन्च करता है और आप फास्ट लॉन्च कर देते हो, तो वो बंदा आपको इजीली बर्स्ट कर जाएगा, क्योंकि जो लेफ्ट स्पिनिंग बेब्लेड है वो आपके लिए एक अपोजिंग मटेरियल टाइप काम करेगा आपके बेब्लेड के लिए, और वो रिकॉइल जो क्रिएट होगा, फिजिक्स में आपने पढ़ा होगा जो आप फोर्स, मतलब जो फास्ट स्पिनिंग बेब्लेड रहेगा वो दूसरे वीक स्पिनिंग पे जो फोर्स लगाएगा उसका इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन होता ही है जो उसको सहना है। जब वो सहेगा तो उसको बर्स्ट होना है, ये एक पॉसिबिलिटी बढ़ जाती है। तो इसमें भी आप देखा जाएगा तो ये साइंस के जो रूल्स है वो लगते हैं। और इसमें एक छोटी सी बात और बताना चाहता हूँ, जो बेब्लेड बनाते हैं जो कंपनी है टकारा टॉमी, उसमें इंजीनियर्स ही काम करते हैं। ऐसे नहीं है कि मतलब कोई कॉमर्स वाले को उठा लिया और वो बेब्लेड बनाने लग गया है, वहां पे इंजीनियर्स ही काम करते हैं और वो बड़े ही टेक्नोलॉजी और बड़ी सूझबूझ के साथ ये बेब्लेड्स बना लेते हैं। ऐसे नहीं है कि चलो आज लगता है गोल बेब्लेड बनाएंगे तो बना लिया और बस खत्म, मार्केट में डाल दो, उसका क्या होगा देखा जाएगा, ऐसे नहीं होता। उसपे बहुत सारे टेस्ट किए जाते हैं, बहुत सारे रिसर्च होता है और अकॉर्डिंगली ही वो लोग वो नया प्रोडक्ट बना पाते हैं। ये हुई पहली बात कि लॉन्चिंग पे सब कुछ डिपेंड नहीं करता, आप कितना फास्ट लॉन्च करते हैं वो डिपेंड करता है कि आप कितना अच्छा आपके अपोनेंट को रीड कर पाते हैं उसके लॉन्चिंग टेक्निक को। दूसरी बात यह है कि एक स्ट्रेट बात है और एक लॉन्चिंग पे आपके मम्मी पापा और आपके पेरेंट्स जो भी है, मतलब मम्मी पापा या फिर आपके दादा दादाजी अगर वो उतने यंग इसमें है, तो उन्हें बस लॉन्चर और बेब्लेड दीजिए, स्ट्रिंग लॉन्चर या ऐसा, और उसे लॉन्च करने बोल दीजिए, नहीं हो पाता मैं सच्ची बोल रहा हूँ, नहीं लॉन्च करने को आता।
स्ट्रिंग लॉन्चर से एक वेबलेट को लॉन्च करने के लिए वो कला है, वो आनी चाहिए कि कब वो स्ट्रिंग रिलीज करना है, कितने प्रेशर और कितने स्ट्रेंथ के साथ। वो ऐसे नहीं है कि बस उठा लिया और लॉन्च कर लिया। अगर आपको ऐसे लग रहा है इजी है, अगर कोई पेरेंट ये वीडियो देख रहा है तो और आपका बच्चा वेबलेट खेलता है, उसका लॉन्चर उठा लो, उसका वेबलेट ले लो और वो वेबलेट स्टेडियम में 3 बार एग्जैक्ट लॉन्च करके दिखाओ अच्छे खासे स्पीड के साथ। स्टार्टिंग में तो नामुमकिन है वो बात, क्योंकि आपको कुछ आइडिया ही नहीं है वो चीज़ का। मैं आपको ये नहीं कर रहा हूँ कि ये क्या बंदा मतलब डायरेक्टली हमें चैलेंज कर रहा है, कि ऐसे नहीं है। इट्स जस्ट अ बेसिक थिंग कि वो सब करने के लिए भी बड़ा स्किल लगता है, सूझबूझ लगती है कि आपका जो अभी मैं लेफ्टी हूँ तो मैं जो मेरा राइट हैंड है उससे लॉन्चर पकड़ता हूँ तो वो ग्रिपिंग वेरी बहुत सॉलिड रहनी चाहिए, और मैं दूसरे मेरे राइट हैंड से लॉन्चर या स्ट्रिंग जो है वो खींचता हूँ रिपकॉर्ड या स्ट्रिंग, तो ये जो हाथ है वो सॉलिड में रहना चाहिए, ना कि उसका कोई मूवमेंट होना चाहिए जिससे वेबलेट बाहर गिर जाए या वो उतना स्पिन ही क्रिएट ना कर पाए। ये हुई लॉन्चिंग की 2 बातें जो बहुत अहमियत रखती है, और इससे बहुत कुछ पता चलता है एक्चुअली कि बेब्लेड ये एक साइंटिफिक गेम ही है। अब आते हैं बेब्लेड पे, तो आप कोई भी बेब्लेड का जनरेशन उठा लो, प्लास्टिक जनरेशन, MFB या बर्स्ट, उसमें हमेशा ऐसा नहीं होता कि वो बोलते हैं कि स्टॉक जो कॉम्बो है, अभी स्टॉक कॉम्बो बोला जाए तो पैक में से जो नया पैक रहता है बेब्लेड का उसमें से जो कॉम्बो आता है, जो उसका अभी बर्स्ट में बोलेंगे तो लेयर, डिस्क और ड्राइवर, तो ये जो 3 पार्ट्स जो आते हैं उसके उससे ही यूज करना है। आपके पास अलग बेब्लेड लेने के बाद 3 और 3 ऐसे 6 पार्ट्स होते हैं जिसको आप मिक्स एंड मैच कर सकते हो। उसमें आप मैच का अगर परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन लगा ले तो आप बता सकते हो कि कितने एग्जैक्ट हम कॉम्बिनेशन बना सकते हैं उससे, और उसका एक फॉर्मूला भी है बेसिकली, तो इसमें भी मैच लगता है। तो एक आइडिया है जनरल कि आपके पास ढेर सारे पार्ट्स है, उसमें से आपको बेस्ट कॉम्बोज बनाने हैं। तो इसमें बच्चे का या कोई भी ग्रोन अप का, फॉर एग्जांपल लेट्स से मैं 22 साल का, मैं 21 साल का हूँ, कोई 20-18 साल का लड़का है, तो उसमें उसका स्किल टेस्ट होता है कि कौन सा पार्ट किस लेयर के साथ कौन से डिस्क के बराबर अच्छा काम करेगा और सबसे ज्यादा उसका यूजफुलनेस और उसका अबिलिटी है वो एनहांस करेगा, या कि उसकी जो क्षमता है वो बढ़ाएगा अगर हिंदी में बोला जाए तो। तो बेसिकली आप एक एग्जांपल ले लो, एक लेयर है जिसके पास बहुत सारे शार्प कॉन्टैक्ट पॉइंट्स है, कॉन्टैक्ट पॉइंट्स एज इन जहाँ पे वो बेब्लेड दूसरे बेब्लेड से हिट करेगा, जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स रहते हैं बेसिकली लेयर पे, उन्हें हम कॉन्टैक्ट पॉइंट्स बोलते हैं हमारे टेक्निकल टर्म्स में। तो वहां पे अभी एक ऐसा वेबलेट है जिससे मैंने बोला लेयर कि उसके पास बहुत सारे कॉन्टैक्ट पॉइंट्स है, तो वो एक अटैक टाइप लेयर माना जाता है, या फिर 2 बहुत ज्यादा बड़े कॉन्टैक्ट पॉइंट्स है जिसकी वजह से वो एक स्मैश क्रिएट कर सके, एक ज्यादा जोर का दबाव डाल सके दूसरे वेबलेट पे, तो उसे कहते हैं कि वो एक स्मैश अटैकिंग टाइप वेबलेट है, तो वो अटैक लेयर। अब अटैक लेयर के साथ अगर हम ऐसा कोई ड्राइवर जोड़ दे जो स्टैमिना बढ़ा रहा है तो उसका कुछ मतलब नहीं होता, क्योंकि आप स्टैमिना क्यों चाहते हो, आपको जो स्मैश के लिए आपके पास आपके लेयर में जो क्षमता है उसको बढ़ाने के लिए आपको उतना फोर्स और स्पीड भी तो क्रिएट करना होगा, तभी तो वो जोर से हिट होगा और सामने वाले पे वो उतना इम्पैक्ट गिरेगा। अब इम्पैक्ट का मुझे हिंदी वर्ड नहीं मालूम, बट कोई कोई शब्दों को प्लीज छोड़ दिया जाए, मैं हर एक चीज हिंदी में नहीं बात कर सकता बिकॉज हिंदी के हर एक शब्द मुझे नहीं मालूम, फिर भी जो जो मुझे मालूम है मैं वो इस्तेमाल कर रहा हूँ। तो पॉइंट ये था, तो हम एक रबर टिप यूज करते हैं, बेसिकली एक रबर टिप ड्राइवर रहता है वो हम यूज करते हैं, क्यों? क्योंकि वो ग्रिप बढ़ाता है अपने स्टेडियम पे, जब वो मूवमेंट देता है तो वो ग्रिप बहुत स्ट्रांग रखता है जिसकी वजह से हाई अमाउंट्स ऑफ फ्रिक्शन क्रिएट होता है, और जिसकी वजह से एक सॉलिड फास्ट ग्रिपी स्पीड बिल्ड होता है जिससे वो अटैक टाइप का जो लेयर है उसका जो स्मैश पावर है वो और इंक्रीज हो जाए। तो ये बेसिक कंसेप्ट है बेसिकली बेब्लेड में कि ऐसे भी होता है। अगर आप अभी कोई लेयर लेंगे जो अच्छा खासा राउंड है और उस पे एक अटैक टाइप ड्राइवर लगा देंगे तो कुछ मतलब नहीं बनता, वो बेब्लेड स्टैमिना के लिए बना है क्योंकि उसका डिजाइन ऐसा है कि वो ज्यादातर अटैक सह के भी अपना स्टैमिना ना खोए, स्टैमिना एज इन उसकी स्पिन करने की क्षमता, ज्यादा टाइम तक कितना टाइम वो बेब्लेड स्पिन कर सकता है उसकी जो क्षमता होती है उसे हम स्टैमिना कहते हैं।
तो ये एक बात होती है कि जब कॉम्बिनेशंस बनाते हैं बच्चे, या कोई भी बच्चे नहीं बोला जाएंगे, कोई भी बीब्लेडर जो रहता है वो कॉम्बिनेशन बनाते हैं, तो उसमें बहुत सूझबूझ और बहुत दिमाग यूज करना पड़ता है कि अरे मैं कौन से पार्ट के साथ कौन सा बीब्लेड यूज करूं। ये हुई बात। अब तीसरा बात आती है कि अरे ये सब तो ठीक है बट इंडिया में तो कुछ होता ही नहीं है। अरे इंडिया में कुछ होता नहीं है मैं समझ सकता हूँ, मैंने खुद ने बोला है एक मेरे वीडियो में दैट वी आर लाइट ईयर्स बिहाइंड ऑफ गोइंग इन टू अ बेब्लेड काइंड ऑफ वर्ल्ड एज कम्पेयर टू जापान। बट मैं ये भी आज कहता हूँ कि कहाँ तो शुरू करते है ना, ऐसा कुछ इशू तो नहीं है। हम भी आज बेब्लेड खेलते हैं, मेरा यूट्यूब का चैनल है, ऐसे बाकी लोग भी जिनका यूट्यूब का चैनल है वो अलग अलग मतलब स्टेट्स से है, वहां भी वो खेलते हैं, तो एक बड़े स्तर पे भी हम खेल सकते हैं। जब वर्ल्ड टूर्नामेंट्स होते हैं तो हम इंडिया से भी लोग भेज सकते हैं वहां पे, वो वहां पे मना नहीं करते कि अरे यार तुम इंडिया से हो तुम नहीं आ सकते, ऐसा कुछ नहीं होता। तुम जा सकते हो इंडिया से, अगर तुम्हारे एज ग्रुप में वो बैठता है तो वेरी वेल तुम जा सकते हो, और तुम अगर कुछ जीत गए तो वहां भी तो नाम होना ही है, रिकॉग्निशन आएगा ही। ऐसा नहीं है कि अरे यार ये क्या बात हुई बेब्लेड में जीत गया, तो वो तो हमारी माइंडसेट और हमारा थिंकिंग है कि बेब्लेड ऐसा क्या बोलते हैं कि इसमें तो कुछ लगता ही नहीं। आप मेरे 3 पॉइंट्स तो बता दिए थे कि इसमें ऐसे आप पता चल जाएगा आपको कि एक स्किल फैक्टर बहुत स्ट्रांग है ये चीज में। अब आप बोलेंगे कि देखो मैं एक और बात बताना चाहता हूँ, वीडियो थोड़ी लॉन्ग हो जाएगी क्योंकि मैंने ऐसा स्क्रिप्ट नहीं किया है वीडियो को, मैं बस जैसे पॉइंट्स आ रहे हैं वैलिड पॉइंट्स जैसे मैं बताते जाऊंगा, तो बुरा मत मानना ये वीडियो के लिए, और आशा करता हूँ आपको ये पसंद आए और आप पूरा वीडियो अच्छे से देखें क्योंकि ये बहुत आपका एक व्यू पॉइंट चेंज कर देगा बेब्लेड के लिए बेसिकली। तो मैं कह रहा था कि हम बोलते हैं कि अरे बेब्लेड में जीत गया तो क्या है ऐसा, तो मैंने 3 पॉइंट्स ऑलरेडी बता दिए कि जिससे हम समझ सकते हैं कि बेब्लेड में भी बहुत टेक्निकलिटी है, बहुत अंडरस्टैंडिंग है, बहुत थॉटफुलनेस है। अब आप बोलेंगे एक पॉइंट ऐसा आता है कि अरे यार तो मटके में भी जीत सकते हैं, मटका एज इन लक में भी जीत सकते हैं। तो मुझे बताना, कोई भी स्पोर्ट कंसिडर करते हैं, आप क्रिकेट कंसिडर कर लेते हैं जो हमारा राष्ट्रीय स्पोर्ट माना जाता है, भले ही हमने क्रिकेट चालू नहीं किया, इंग्लैंड ने चालू किया, बट हमारे यहाँ क्रिकेट मतलब जो क्रिकेट खेलता है वो भगवान बराबर माना जाता है। अब मुझे नहीं मालूम उसका क्या, मैं कोई क्रिकेट वालों से झगड़ा नहीं करना चाहता, बट एक है हमारे यहाँ भी इंडिया में एक सोच है कि क्रिकेट खेलता है साला तो सॉरी बुरा नहीं बोलना चाहता था, एक्सट्रीमली सॉरी फॉर द बैड वर्ड, बट क्रिकेट खेल रहा है तो भाई भगवान ही है वो, मतलब बाप है, अब इंडियन टीम में जाना ही है। तो क्रिकेट की बात करें तो जब बैट्समैन खड़ा रहता है, जब वो अपना बैट बल्ला घुमाता है, तो कभी ना कभी ऐसे भी तो होता है कि एक कट लग जाता है, एक इनसाइड एज या आउटसाइड एज लग जाती है और बॉल बाउंड्री के लिए पीछे चला जाता है। तो वो बैट्समैन ने सोचा नहीं रहता कि मैं आउटसाइड एज मारूंगा, क्या मैंने आउटसाइड एज मारी है और बॉल चला है, ऐसे नहीं होता। वो नसीब पे बात होती है कि लग गया वो, कोई नसीब पे ऐसे भी होता है कि अगर सामने वाली टीम ने जो बॉलिंग साइड टीम है उन लोग ने अगर प्रॉपरली स्लिप मेंटेन किया हो, जो स्लिप्स लगाई हो, तो कैच भी जा सकता है, या फिर कभी वर्स्ट के सिनेरियो इनसाइड एज लग के स्टंप उड़ सकते हैं तुम्हारे। तो ये एक लक फैक्टर हर एक चीज में है, बेसिक हमारा लाइफ जो है उसमें भी लक फैक्टर होता ही है। अब मैं एक सादा उदाहरण देता हूँ, मैं सुबह कॉलेज जाता हूँ मेरी गाड़ी लेके, ठीक है, मैं वहां पहुंचता हूँ और मुझे पार्किंग ढूंढना होता है क्योंकि कॉलेज का ऐसा अच्छा पार्किंग नहीं है। तो अब इस पे मेरा 50-50 लक है ही ना कि मुझे पार्किंग का स्पॉट मिलेगा या नहीं मिलेगा, एक प्रोबेबिलिटी होती है। तो प्रोबेबिलिटी इज आफ्टर ऑल एक कैलकुलेशन है कि अपना लक कितना चल रहा है। तो हर चीज में लक है, तो बेब्लेड में भी लक होगा ही, तो ये एक बेसिक बात है आपको समझनी चाहिए। अब तीसरा और एक तीसरा नहीं है लास्ट पॉइंट एक मेरे मन में आ गया है जो बहुत इंपॉर्टेंट है। आप बोलते हैं कि कॉस्ट बहुत हाई है बेब्लेड्स की, तो कैसा है ना, बेब्लेड्स की कॉस्ट हाई है मैं मानता हूँ, मैं ऐसा मना नहीं कर रहा हूँ कि अरे यार क्या बेब्लेड तो यार सस्ते की बात है, इसे तो कोई भी खरीद सकता है, ऐसा नहीं है। बेब्लेड हाँ मैं बोलता हूँ बेब्लेड कॉस्टली है, बट क्या है आप जब बेब्लेड खरीदते हो ना तो आप समझ के खरीदना चाहिए कि आपको कौन सा बेब्लेड की जरूरत है, कौन से बेब्लेड की आवश्यकता है, और उस हिसाब से आप रिसर्च कीजिए, आप यूट्यूब पे देखिए, आप
इंस्टाग्राम पे देख लीजिए कितने लोग हैं, मैंने देखा है जो कॉम्बोज एंड ऑल बना के दिखाते हैं, तो आप उस हिसाब से बेब्लेड खरीद सकते हैं ना कि हाँ मुझे भाई ये कॉम्बो मेरा स्टाइल जो है, मेरा जो बेसिक स्टाइल है कि वो मैं अटैक टाइप बेब्लेड्स बहुत सही से इस्तेमाल करता हूँ, मुझे वो लॉन्चर का जो टेक्निक है, हम जो बोलते हैं रश लॉन्च या स्लाइड शूट जो भी है वो बोलते हैं हम, तो वो मुझे बड़े अच्छे से आता है यार, मतलब हैंड्स डाउन मैं परफॉर्म कर लेता हूँ, तो मैं उस हिसाब से बेब्लेड लूंगा ना, मैं स्टैमिना टाइप का बेब्लेड क्यों लेने जाऊंगा। एक आध दो कभी ले लिया तो समझ सकता हूँ, बट तुम कुछ भी अगर लोगे तो ऑब्वियसली तुम्हारी ओवरऑल जो कॉस्ट है बेब्लेड की, जो तुम खर्च करोगे वो तो बड़ी ही है, एक बेसिक बात है। तो ये सब बेसिक पॉइंट्स है जो आपको ध्यान में रखना है और बेब्लेड के बारे में, और ज्यादातर ये आपके सवाल का जवाब दे देते हैं कि क्यों खेलना है बेब्लेड, तो ये सब चीजें हैं और कैसे खेलना है। तो आज के लिए बस इतना ही, आशा करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई हो, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो लाइक कर दीजिए और सब्सक्राइब कर दीजिए चैनल को, और आज के लिए इतना ही। मेरा नेक्स्ट वीडियो जो रहेगा उसमें मैंने जो पॉइंट्स बताए हैं, फॉर एग्जाम्पल वो लेफ्ट वाला बेब्लेड घूम रहा है राइट वाला, तो कैसे पेरेंट्स को अगर आप अपना ये मेरा वीडियो दिखाएंगे तो वो बोलेंगे कि क्या प्रूफ किधर है, तो ऐसा डरिए मत। मैं नेक्स्ट वीडियो में अलग अलग जो टेक्निक्स के बारे में मैंने बात की, जैसे कि मैं तीन चीजें बताता हूँ, लेफ्ट राइट का मैंने बर्स्ट के बारे में बात किया था, विच इज फॉर इक्वल एक्शन एंड इक्वल एक्शन हैज इक्वल रिएक्शन, फिजिक्स का लॉ है, न्यूटन्स थर्ड लॉ। एंड देन यू हैव अपना रश लॉन्च और स्लाइडिंग शूट के बारे में बात किया था मैंने, तो ये सब चीजें जो टेक्निक्स है वो मैं फ्रेंकली नेक्स्ट वीडियो में प्रॉपरली, वो छोटा वीडियो होगा उसमें मैं प्रॉपर बता दूंगा, तो आशा करता हूँ वो भी आप वीडियो देख लेंगे और आपके पेरेंट्स को भी दिखा लेंगे। और एक और छोटी सी बात है वीडियो एंड करने के पहले, मैं ऐसा कभी नहीं चाहूंगा कि आप अपनी पढ़ाई छोड़ दे, आप अपना क्लासेस छोड़ दे और बेब्लेड के पीछे भागे, ये तो साफ गलत बात है। आपके पेरेंट्स आपके आपसे एक्सपेक्ट करते हैं कि आप अच्छा मार्क्स लाए, आप कुछ अच्छा बने, बट मैं पेरेंट्स से भी ये रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि अगर आपके बच्चों को बेब्लेड में अगर इंटरेस्ट हो तो सपोर्ट कीजिए, पढ़ाई के साथ बेब्लेड होता है। अगर आपको वैलिडेशन या प्रूफ चाहिए तो मैं इंजीनियरिंग के लास्ट ईयर में हूँ, एकदम ये बहुत अच्छा खासा प्रूफ रहता है, इंजीनियर डॉक्टर ये बहुत माने जाते हैं हमारे यहाँ अपने सोसाइटी में, तो मैं खुद इंजीनियर हूँ, अभी लास्ट ईयर हूँ तो खत्म हो जाऊंगा, तो मैं खेल रहा हूँ बेब्लेड, तो ऐसा कुछ नुकसान नहीं हो रहा उसका। सो आशा करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई हो, आज के लिए बस इतना ही, चलो बाय बाय।